हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यू ऑन मेडिक नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो आप सभी के लिए कल के डेट में यानी कि 18 मार्च 2024 के डेट में एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई थी। एक नहीं, दो खुशखबरी आए थे। वो न्यूज़ जो थे वो GNM फर्स्ट ईयर और GNM सेकेंड ईयर, साथ ही साथ BSc नर्सिंग के जो छात्रों के कॉलेज अमान्य पाए गए थे या फिर अपात्र पाए गए थे, उन सभी के लिए खुशखबरी था। तो कहे तो कल के डेट में यानी कि जजमेंट ऑर्डर जो है रिलीज हो गया था, यानी कि जो आपका हियरिंग हुई थी, पिछली हियरिंग हुई थी 11 मार्च 2024 को जावलपुर हाई कोर्ट में, उसका जो है जजमेंट ऑर्डर कल के डेट में क्या हुआ था कि अपडेट हो गया था। ओके, तो कहे तो आप सभी का जो है एग्ज़ाम होंगे, आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले GNM वालों के बारे में, फिर हम बात करेंगे PNST वाले छात्रों के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे BSc नर्सिंग वाले छात्रों का, किन किन छात्रों का एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम कब तक होंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले GNM फर्स्ट ईयर और GNM सेकंड ईयर छात्रों का जो है एग्ज़ाम का जो परिमाण है, रिजल्ट है, वो आ चुका है। आप लोग का रिजल्ट आ चुका है, आप लोग के लिए हम लिंक जो है पिछले वीडियो बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालती हैं, वो वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। या फिर जो छात्र अपना रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं वो हमें इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ और कोर्स ईयर जो है हमें सेंड कर दें हमें इंस्टाग्राम पर। ओके, तो उन लोगों के लिए मैं रिजल्ट देख कर उनको भेज दूँगा। तो अभी हम बात करते हैं BSc नर्सिंग वालों के लिए। देखिए BSc नर्सिंग वालों के लिए कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि जो हाई कोर्ट था वो बोला था कि जो छात्र कॉलेज जो सही है यानी कि जो कॉलेज सुटेबल है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कॉलेज के छात्रों का जो है एग्ज़ाम होंगे। तो अब बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो 11 मार्च की जो हियरिंग हुई थी उसमें हाई कोर्ट के जो जजेस थे यह निर्णय लिए हैं लोग कि जो कॉलेज जो है पात्र पाए गए हैं या फिर अमान्य पाए गए हैं, उन सभी छात्रों के जो है एग्ज़ाम कराए जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉलेज जो अमान्य या अपात्र पाए गए हैं उसमें छात्र की गलती नहीं है, गलती है काउंसिल की। ओके, गलती है काउंसिल की, गलती है गवर्नमेंट की, इसलिए छात्रों के जो एग्ज़ाम हैं वो एग्ज़ाम होंगे, यही बात कहा गया है। लेकिन उसके लिए जो है एक शर्त है। शर्त क्या है कि जो छात्र एग्ज़ाम देंगे अपात्र या अमान्य कॉलेज से, उन कॉलेज के छात्रों का जो है एग्ज़ाम एक बार में ही पास करनी होगी, उनके लिए कोई कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं होंगे, उनको एग्ज़ाम जो है अपना एक बार में ही पास होना होगा, उनके कंपार्टमेंट के जो है एग्ज़ाम नहीं कराए जाएंगे। कहे तो यही बात है, यही जो ऑर्डर है, यही ऑर्डर में कुछ कहा गया है जो 56 कॉलेज थे उनके बारे में और जो 74 कॉलेज थे उनके बारे में। तो 169 कॉलेज जो सही थे, बाकी 56 कॉलेज डिफिशियंट और 74 कॉलेज अनसुटेबल थे, उन लोगों के लिए यह न्यूज है। तो देखिए आपके हाई कोर्ट में कितने केसेस चल रहे थे, देखिए ये सब जो है, ये सब इतने सारे केसेस जो है आपके हाई कोर्ट में चल रहे थे, लेकिन WP 1080/2022 जो है ये आपका मेन केसेस था। ओके, एग्ज़ाम को लेकर तो ये बात थी। टोटल जो है आपको 8 पेज का जो है जजमेंट ऑर्डर आ चुका है, ये लोग आप अपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर हमने ये लिंक डाल दिया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं उन छात्रों के बारे में कि उन छात्रों के बारे में अखबार में क्या कुछ कहा जा रहा है। ओके, लेकिन अब पहले हम बात कर लेते हैं PNST वाले छात्रों का। PNST वाले छात्र, आपका जो है रिजल्ट बहुत जल्द आने वाले हैं, आपका रिजल्ट, सभी का जो रिजल्ट जो है जारी होने लगे हैं, आपका भी रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएंगे, करीब 15-20 दिनों में आपका भी रिजल्ट आ जाएंगे। तो आप लोग चिंता नहीं कीजिए, आपका भी रिजल्ट आ जाएंगे, सभी का जो ऑर्डर हो तो हो चुका है, पहले ही मैंने वीडियो बनाकर बताया था आपको, आपका भी रिजल्ट आएगा। और ऐसा मत सोचिए कि आप लोग का रिजल्ट नहीं आएगा, देर है मगर आएगा रिजल्ट, 15-20 दिनों के अंदर आपका रिजल्ट जो है आ जाएंगे। अभी हम देख लेते हैं कि जो अखबार हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं कि क्या कुछ कहा जा रहा है, ये जो लेटर है आप लोग पढ़ सकते हैं जाकर। ओके, तो अगली हियरिंग जो है 20 मार्च की है, यानी कि कल के डेट में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 मार्च 2024 को जो है 2:15 से जो है आपकी एक हियरिंग होगी। तो उस अगले वीडियो में हम बताएंगे कि हियरिंग में क्या कुछ कहा गया है। ओके, ये देखिए मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर MPMSU के द्वारा कहा गया है कि अपात्र कॉलेज के नर्सिंग स्टूडेंट भी दे सकेंगे एग्जाम, यानी कि अपात्र जो कॉलेज सही नहीं थे उनके छात्र भी जो है एग्जाम दे सकेंगे। या हाई कोर्ट का आदेश है, यहाँ पर देख सकते हैं, या हाई कोर्ट का आदेश है कि अपात्र कॉलेज के नर्सिंग स्टूडेंट भी दे सकेंगे एग्जाम। ओके, तो नीचे देखिए उच्च न्यायालय ने CBI की जांच में अनुपयुक्त पाए गए नर्सिंग कॉलेजों के छात्रों के लिए भी एग्जाम के टाइम टेबल जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। ओके, तो हाई कोर्ट जो है जो कॉलेज सही नहीं थे उनके लिए भी टाइम टेबल जारी करने के आदेश दे दिए हैं। कल के डेट में जो जजमेंट ऑर्डर आया है उसमें ये बातें कही गई है। ओके, यहाँ पर देखिएगा MP हाई कोर्ट ने नर्सिंग स्टूडेंट के पक्ष में लिया बड़ा फैसला। ओके, डिफिशियंट कॉलेज के 45,000 छात्रों को दी राहत, यानी कि टोटल जो है डिफिशियंट कॉलेज जो है टोटल 45,000 छात्र आते हैं, उन लोगों के लिए भी जो क्या कहा गया है कि उनका जो एग्ज़ाम है उन लोगों का एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द होंगे। ओके, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं पूरा और देखते हैं क्या कुछ कहा गया है। नर्सिंग स्कैम केस, ओके, ये कोई गलत न्यूज़ नहीं है, आपको मैं कोई गलत न्यूज़ नहीं बताऊंगा, सही न्यूज़ है। यह जो है 11 मार्च के हियरिंग वाले जजमेंट ऑर्डर में कुछ कहा गया है, जो जजमेंट ऑर्डर है जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आपको कुछ पूछना है हमसे तो आप हमें
इंस्टाग्राम पर फॉलो करके हमें कुछ पूछ सकते हैं। ओके, देखिए क्या कुछ कहा गया है। नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने डिफिशियंट कॉलेज के करीब 45,000 छात्रों के पक्ष में लिया फैसला। ओके, जिसके बाद यह राहत की सांस ले रहे हैं। यानी कि बता दें कि 45,000 जो छात्र थे बहुत ही परेशान में थे, बार बार कमेंट करें कि सर हम लोग का क्या होगा, हम लोग का क्या होगा। तो उन लोगों के लिए हम श्वासन दिए थे कि नहीं, आपके लिए भी जो है हाई कोर्ट जो है आपके लिए भी कुछ निकाल कर लाएगा, आपको ऐसे थोड़ी ना छोड़ेगा, क्योंकि गलती आपका नहीं है, गलती काउंसिल का है, गलती गवर्नमेंट का है, तो आप भुगतेंगे क्यों। हालांकि आपको 3 साल से जो एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, आप लोग तो परेशान में हैं ही। ओके, लेकिन अब परेशानी दूर हो चुका है, आप लोग का भी एग्ज़ाम बहुत जल्द हो चुका है। MP हाई कोर्ट भर्ती और नर्सिंग। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सोमवार की फर्जी नर्सिंग कॉलेज से जुड़े हुए मामले की सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला लिया है। हाई कोर्ट जबलपुर हाई कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में आदेश को संशोधित करते हुए पात्र और डिफिशियंट कॉलेज के छात्रों को बड़ी राहत दी है। यानी कि जो कॉलेज अपात्र थे और डिफिशियंट थे उनके लिए जो है एग्ज़ाम कराने के लिए हाई कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं। उनके टाइम टेबल जल्दी जारी करने के लिए हाई कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं। ओके, कोर्ट ने डिफिशियंट कॉलेज के छात्रों को परीक्षा देने की अनुमति दी है। इस फैसले के बाद अब प्रदेश के 45,000 नर्सिंग के छात्र छात्राएं जो है नर्सिंग एग्जाम में बैठ सकेंगे। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं 45,000 छात्र जो हैं वो डिफिशियंट कॉलेज और अनसुटेबल कॉलेज के अंतर्गत आते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए वर्ष 2020-21 से नहीं हुई थी परीक्षा। ऐसे छात्र जो हैं जिनका 20-21 से ही एग्ज़ाम रुके हुए थे। तो आपको हम बता दें कि इस फर्जीवाड़े की वजह से 20-21 से नर्सिंग की परीक्षाएं नहीं हो पा रही थी। ओके, जिसके तहत हज़ारों छात्रों का भविष्य जो है अंधकार में है। इस मामले की जाँच CBI कर रही है। पिछले दिनों ICBI की रिपोर्ट के बाद यह खुलासा हुआ कि 2020 में नर्सिंग काउंसिल द्वारा खोले गए टोटल 670 कॉलेज में से कई कॉलेज की स्थिति बहुत ही खराब थी। ऐसे कॉलेज गलत तरीके से जो है खोले गए थे। CBI जांच के बाद हाईकोर्ट ने दिया था यह फैसला। ओके, आपको हम बता दें कि हाईकोर्ट का युगल पीठ ने लिया था यह फैसला। जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की बेंच ने हाईकोर्ट फैसले में संशोधन किया था। ओके, ये बात आपको हम बता दें। लेकिन इससे पहले जो दो जजेज ऐसे थे जो हाईकोर्ट के जो है वो छोड़कर चले गए थे, यानी कि खुद को इस केस लिए अलग कर लिया था। लेकिन युगल पीठ ने और संजय जस्टिस द्विवेदी ने अचल कुमार पालीवाल ने जो है यह फैसला सुनाया है। ओके, आपको हम बता दें कि कोर्ट के आदेश पर टोटल CBI जांच में 74 कॉलेज और 66 कॉलेज को एफिलिएशन और अनसुटेबल पाया गया था। यानी कि 74 को डिफिशियंट और 66 को अनसुटेबल जो है पाया गया था। आपको हम बता दें कि हाई कोर्ट ने CBI जांच में टोटल 74 और 66 कॉलेजों की एफिलिएशन और अनसुटेबल पाया गया था हाई कोर्ट ने। ओके, अब इन कॉलेज के छात्रों को भी परीक्षा में बैठने का निर्देश हाई कोर्ट ने दिए हैं। ओके, आपको यह बात हम पहले भी बता चुके हैं। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद प्रदेश के 3 वर्ष से इंतजार कर रहे जो नर्सिंग छात्र हैं उनका जो है परीक्षा के रास्ते जो है खुल चुके हैं। ओके, तो ये याचिका में की गई थी मांग। याचिका में क्या की गई थी मांग, ये आपको हम बता देते हैं। देखिए, गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने अपने पूर्व आदेश में CBI जांचने में अनसुटेबल पाए गए कॉलेजों के छात्रों को भी अपात्र घोषित किया था। हाई कोर्ट ने अपने उस आदेश में संशोधन करते हुए नवीन निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि कुछ छात्र छात्राओं एवं कॉलेज की ओर से अब आवेदन पेश कर कोर्ट ने मांग की गई थी कि छात्रों के भविष्य को देखते हुए उनका जो कोरोना काल में नर्सिंग छात्रों द्वारा की गई सेवाओं को ध्यान में रखते हुए सभी छात्रों को परीक्षा में शामिल किया जाए। ओके, लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन ने एक आवेदन पेश की और हाईकोर्ट ने बताया था कि मध्य प्रदेश सरकार ने नर्सिंग शिक्षण संस्था से मान्यता में बहुत बड़ा फेरबदल करते हुए नियम बना दिए हैं। INC के मापदंडों को भी पूर्ति नहीं कर पाते हैं ऐसे कॉलेज। कोर्ट के नए आदेश में क्या कहा गया है, बता दें कि हाई कोर्ट के पूर्व आदेश का पर मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी CBI जांच में सुटेबल पाए गए 17 नर्सिंग कॉलेज की परीक्षाएं टाइम टेबल जारी कर दिया था। उसी समय से बच्चे के भविष्य को लेकर चिंताएं जताई जा रही थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि परीक्षा में बैठने के शर्त अनुमति दी जाती है उन सभी छात्रों के लिए जो अनसुटेबल और डिफिशियंट कॉलेज से आते हैं। जिन छात्रों ने अपने कॉलेज में पढ़ाई किया है या उन्होंने प्रशिक्षण लिया है, अगर वे परीक्षा में पास होते हैं तो उन्हें आगे की लाभ मिलेंगे, यदि पास होते हैं तब, यदि फेल होते हैं तो नहीं। ओके, तो ये पढ़ सकते हैं। एक कुछ कहा गया है, हाईकोर्ट ने प्राइवेट कॉलेज की ओर से प्रस्तुत आवेदन जिसमें 2023-24 की प्रवेश परीक्षा मान्यता प्रक्रिया करने के निर्देश मांगे थे, उस वक्त आवेदन पर निर्णय करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि चूंकि मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर द्वारा 2023-24 को शून्य घोषित करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था जो कि अभी लंबित है, चूंकि हाईकोर्ट ने इस प्रकार 2023-24 की प्रवेश प्रक्रिया मान्यता प्रक्रिया से संबंध निर्णय हेतु केंद्र सरकार के पाले में भेज दिया है। यानी कि जो 2023-24 सीजन है इसको गवर्नमेंट के द्वारा बताया जाएगा कि इसको जीरो किया जाए या नहीं। ओके, यही बात जो है यह कहा गया है। इतने परेशानियां जो है छात्र झेल रहे थे, सरकार जो है ये नियम बदल लिए, इसको पढ़ सकते हैं। ओके, तो आप लोगों के लिए वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सभी तक शेयर कीजिए सभी छात्रों तक।